नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रमजान का पवित्र महीना पूरा होने के बाद शनिवार को झारखंड समेत पूरे देश भर में ईद उल फितर मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा की गई। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित रांची ईदगाह में भी हजारों की संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की और देश के लिए अमन चैन की कामना की। नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर मौलाना डॉक्टर मिसबाही ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने लोगों को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि समाज के गलत रस्म रिवाज खत्म होने चाहिए। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद के मौके पे मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं और रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं, जो तरावी पढ़ते हैं, जो अनेक अमल करते हैं, उसका अजर दिया जाता है, बदला दिया जाता है। इसमें बहुत सारे पैगाम दिए गए आज के कि भाई ऐसा है कि हमें इस मुल्क के भी की हिफाजत की भी जिम्मेदारी है, अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, अमन और शांति रहे। फिर यह है कि चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, हमारे भाई हैं, सबके साथ खुशियाँ मनाना चाहिए। फिर वो ये भी पैगाम दिया गया कि नौजवानों की तालीम का माहौल पैदा किया जाए और उनकी इसलाह की कोशिश की जाए, नौजवानों की सुधारने की कोशिश किया जाए और माशरे में जो खराबियां हैं, जहेज़ का लेन देन है और शादी ब्याह में फजूल खर्ची है, जो गलत रस्म व रिवाज है, उसको ख़त्म होना चाहिए। ये पैगाम तहत का मोहब्बत का, भाईचारगी का,